आप बार बार रिपीट करके लोगों के मन में ये ठोस देना चाहते हैं कि समीर वानखेड़े करप्ट है, जो कभी नहीं हो सकता, जो कभी नहीं हो सकता। मैं इस चीज का खंडन करती हूँ, मैं इस चीज का निषेध करती हूँ। मैं उस आदमी के साथ रहती हूँ, उसका दुश्मन भी नहीं बोल सकता, उसका दुश्मन भी ये नहीं बोल सकता कि वो करप्ट है। और आप लोग आपने ये भी कहा, मैंने सुना कि आपको आपके परिवार को धमकियां मिल रही हैं, आपके आपके बच्चों को जान का खतरा है, आप ये भी कह रही हैं जी। अगर मुझे मैं कल मरवर गई तो आप समझ जाइए प्लीज, कल अगर मुझे मार दिया गया, मेरे चेहरे पे एसिड फेंका गया, तो ये वॉर, वही मैं बोल रही हूँ ना अभी, दुश्मनी तो में भी कोई एथिक्स रहते हैं। आप एक बॉक्सिंग की मैच लगा लो, उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं। ये लोग रूल्स तोड़ के, ये रूल्स तोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। उनको इज्जत अबरू उसकी कोई परवाह नहीं है। हमने किया, समीर वानखेड़े ने कभी उनके घर की औरतों के बारे में कुछ कहा? मैंने और यास्मीन ने, हम तो औरतें हैं, हमने कुछ कहा उनके घर वालों के बारे में, उनकी बीवियों बच्चों के बारे में? हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि हमारा क्लास ही वो नहीं है, हमारी हमारा कल्चर और हमारी अपब्रिंगिंग ही वो नहीं है। उनको क्या ऐसी जरूरत? अरे आप इतने बड़े मंत्री हो, आपको थोड़ा तो लिहाज होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। लड़ो मर्द के जैसे, फाइट, फाइट इट आउट, गो इन द बैटलफील्ड एंड फाइट। ये क्या पीछे से वार कर रहे हो? ये देखिए प्रूफ, ये देखिए एंड में तो फर्जीवाड़ा आपका हो रहा है। तो आप ये कह रही हैं क्योंकि यहाँ पर नवाब मलिक का कोई करीबी इस मामले में फंसा, इसलिए समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक इतने हमलावर हैं, आप ये कह रही हैं? ऑफ कोर्स ऐसे ही अभी बोलना पड़ेगा, और क्या बोल सकते हैं, अब क्या बोल सकते हैं? नहीं बोलना चाहिए था मुझे, और मुझे, मैं नहीं ही बोलना चाहती थी, लेकिन 2+2=4 है, ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा ना। 2+2=4 है, हाँ ठीक है, इधर ये हुआ है, इधर ये अटैक हुआ है फैमिली पे, ये ऐसा ऐसा हुआ, उनका एक रिश्तेदार कोई पकड़ा गया है, तो इसके लिए ये हो रहा है, ये तो बच्चा भी बता देगा। नहीं, एक आरोप और लगाया जा रहा है, आप खुद मराठी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, इवन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं क्रांति, बॉलीवुड में ड्रग्स का कनेक्शन पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से हुआ है, आया है सामने, और उसमें फिर लोग बॉलीवुड पर सवाल उठा रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये समीर वानखेड़े पर इसको लेकर आरोप लगाया जा रहा है एक सेक्शन की तरफ से, कि समीर वानखेड़े ने ये पूरा मामला खड़ा किया है। कि बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है जी, कि बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है। बॉलीवुड को वो क्यों टारगेट करेंगे? मुझे एक बात बताइए, जब वो डोंगरी जैसे इलाकों में डॉन्स को पकड़ रहे थे बड़े बड़े, तब तो उनके ऊपर ही आरोप नहीं लगे थे, तब तो उनको किसी ने नहीं बोला कि आप उनको क्यों पकड़ रहे हो, वो तो इतने बड़े डॉन है, उनको मत पकड़िए, ऐसा तो नहीं बोला। भारत का हर वो आदमी जो गलत है उसके खिलाफ एक्शन लेने का हक इन अफसरों को दिया गया है।